नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। मिड डे वॉइस में आज बात आपकी सेफ्टी की। लखनऊ के गोमती नगर में हुई दुर्घटना ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि स्टंट के नाम पर की जाने वाली आपकी एक छोटी सी गलती आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। ये घटना जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर 2 के पास की है। बाइक सवार कुछ युवक वहां पर स्टंट्स परफॉर्म कर रहे थे और इसी बीच 3 युवक अचानक अपना नियंत्रण खो बैठे। बाइक पर सबसे पीछे जो युवक बैठा हुआ था वो चौराहे की ग्रिल पर जाकर गिर गया और ग्रिल में लगा हुआ सरिया उसके जबड़े के आर पार हो गया। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन ये खबर जानना और इसे समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस घटना ने फिर से एक बार स्टंटबाजी के नाम पर खतरा मोल लेने वालों को एक बड़ा सबक दिया है। गनीमत ये रही कि दुर्घटना के तुरंत बाद मौके पर पुलिस पहुंची। युवक की गर्दन से सरिये को काट करके निकालने में 1 घंटे का वक्त लगा। आप सोचिए, 1 घंटे तक युवक उसी तरह से वहां पर फंसा हुआ रहा, दर्द से कराहता रहा। कड़ी मशक्कत करने के बाद युवक को लहूलुहान हालत में ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। जबड़ा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था और इसी वजह से डॉक्टर्स को सर्जरी करने में भी काफ़ी मुश्किल हुई। बताया जा रहा है कि 2 घंटे तक सर्जरी चलती रही और फिलहाल युवक की हालत नाजुक है। बाइक पर सवार उसके 2 और साथियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। और फिर से एक बार इस घटना के बाद तमाम सवाल हमारे जहन में आ रहे हैं, क्योंकि बार बार स्टंटबाज स्टंट करते हैं और घायल हो जाते हैं, और इसीलिए कुछ सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है, वो स्टंटबाजों को रोकने में क्यों नाकाम साबित होती है? सीसीटीवी कैमरों का अभाव स्टंटबाजों के लिए वरदान है क्या? आखिर क्यों नहीं इस बारे में काम किया जा रहा है? सड़क सुरक्षा मानकों का पालन क्यों नहीं करवा जा रहा है और उसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसकी जिम्मेदारी है? स्टंटबाज युवक जो हैं उनके परिवारों की जिम्मेदारी कितनी बड़ी बनती है? वो आखिर क्यों नहीं समझा पाते हैं अपने बच्चों को? और ओवर स्पीडिंग को लेकर के जागरूकता क्यों नहीं फैलाई जाती है? ओवर स्पीडिंग पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा पाती है और उसी की वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं? सरेआम सड़कों पर स्टंटबाज स्टंट्स करते हैं, लेकिन कोई भी उनको न रोकने आता है और ना ज्यादातर मामलों में कार्रवाई ही हो पाती है। और आइए इस पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले उन मेहमानों से मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। सुमन सिंह रावत हमारे साथ जुड़ गई हैं, समाज सेविका हैं और कई लोगों को जो कि रोड एक्सीडेंट्स में घायल हुए हैं उनकी मदद इन्होंने की है और इस तरह की समाज सेवा ये करती रही हैं। अनवारुल अब्बास हमारे साथ हैं जो कि शुभम सोती फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। शुभम सोती फाउंडेशन, सड़क हादसे में मौत हो गए कुछ लोगों के परिवारों की मदद करता है। शुभम सोती जिनकी मौत हो गई थी सड़क हादसे में, और ये संस्था तब से हेलमेट बांटने का काम करती है और लोगों में जागरूकता फैलाती है। और इसके साथ ही श्रीधर पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व IPS हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सुमन सिंह रावत, मैं आपके पास आती हूँ। इस तरह की घटना जो हमने देखी है बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही भयावह, लखनऊ के गोमती नगर में हुई है। हालांकि युवक को बचा लिया गया है, उसकी हालत अभी भी उतनी अच्छी नहीं है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बहुत लंबा इलाज चलेगा, लेकिन ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? मैम, सही कहा आपने, ये हादसे दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ। और आम जिंदगी में तो ये आजकल जो हमारा यूथ है, जो बच्चे हैं, पता नहीं क्यों उनका स्टेटस सिंबल बन गया है कि अगर हम स्पीड तेज चल कर रहे हैं, इस बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से चल रहे हैं या हम कलाबाजियां दिखा रहे हैं, तो ये इसको अपना एक स्टेटस सिंबल मानते हैं। लेकिन बच्चों को ये आभास रहता भी है और उसके बाद वो उसको इग्नोर करते हैं कि कहीं ना कहीं आपके वाहन की जो बेकाबू होती हुई गति है वो आपकी ज़िंदगी की गति को किसी वक्त भी
रोक सकती है। ये बच्चे भाग्यशाली थे, कल जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें उनको बचा लिया गया, वहाँ पे पुलिस ने भी थोड़ा सा तत्परता दिखाई और सकुशल उसको बचा लिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं स्टेप बाय स्टेप अगर बताना चाहूँगी तो ये इसकी शुरुआत लापरवाही की सबसे पहले घर से ही होती है। आजकल पेरेंट्स पता नहीं क्यों ध्यान नहीं देते हैं। मैंने देखा कि नाबालिग बच्चे फोर व्हीलर चला रहे हैं, टू व्हीलर चला रहे हैं और बहुत आराम से चला रहे हैं, अपना स्कूल कॉलेज आ जा रहे हैं, और पेरेंट्स या तो अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं कि चलो बच्चों के चला रहे हैं तो इनको चलाने दीजिए। सबसे पहले तो वो यातायात नियमों का बिल्कुल पालन भी नहीं कर रहे हैं। पेरेंट्स एक ऐसी कड़ी होती है जिनको अपने बच्चों के टेम्परामेंट के बारे में पता है कि हमारा बच्चा कितना एग्रेसिव है और कितना कूल है। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर हम अपने बच्चे को कोई भी वाहन, चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, चलाने के लिए दे रहे हैं तो हम उससे उसको हम लोगों ने कितना अवेयर किया है यातायात नियमों का पालन करने के लिए। और पेरेंट्स को चाहिए कि जब बच्चा घर से निकले सबसे पहले तो नाबालिग के हाथ में किसी भी तरीके का वाहन वो बिल्कुल ना दे, चाहे कितनी बड़ी भी मजबूरी हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका बच्चा बाहर जा रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बच्चे को उसकी अवेयरनेस के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए समझाएं कि रूल एंड रेगुलेशंस क्या है, ट्रैफिक रूल्स क्या है, उसको जरूर बताएं। बिल्कुल, दो बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं। एक तो ये कि जो प्रशासन है वो नियमों का पालन किस हद तक करवा पा रहा है, और जो लोग इस तरह के काम को करते हैं क्या उन्हें पकड़ा जाता है, क्या उन्हें सजा मिलती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो स्टंटबाजों का मनोबल जो है बढ़ता है और धीरे धीरे उनके स्टंट्स भी बढ़ते जाते हैं, वो और खतरनाक होते जाते हैं, जिसकी परिणति इस तरह के हादसों से होती है। और दूसरा कि पर्सनल जो अवेयरनेस है वो भी बहुत ज़रूरी है, और वो परिवार से आती है। बड़े हो रहे जो बच्चे होते हैं 16, 17, 18 साल के, अगर वो सड़कों पर उतरकर इस तरह के स्टंट्स परफॉर्म कर रहे हैं तो उनके पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और शुभम सोती फाउंडेशन इसी के लिए काम करता है, हेलमेट्स बांटता है, इसीलिए मैं आपसे जानना चाह रही हूँ अनवारुल अब्बास साहब के लोगों में जागरूकता किस किस लेवल पर होनी चाहिए, और अगर इसकी कमी हम देख रहे हैं, अगर युवा सड़कों पर उतर रहे हैं और तमाम एक्सीडेंट्स को देखने के बावजूद वो स्टंट्स कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, तो अवेयरनेस की कमी तो साफ झलकती है। मैम, मैं शुभम सोती फाउंडेशन में बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ और हम लोगों ने बहुत सारी कैंपेन्स अलग अलग तरीके से करी हैं, तो जागरूकता की कमी तो है। और जैसे सुमन जी ने कहा कि घर से शुरुआत होती है, ये एक बहुत अहम पहलू है। ये सही बात है कि माँ बाप से ही चीज़ें शुरू होंगी। पुलिस वाले तो, या ट्रैफिक पुलिस है, गवर्नमेंट है, ये तो ऑन रोड उनको चेक करेगी, लेकिन अगर घर से ही लाइक हेलमेट पहन के निकले, एक आदत डाली जाए कि हर बार टोका जाए बच्चे को कि आप हेलमेट पहनिए, और थोड़ी सी उस पर निगाह रखी जाए कि कहाँ जा रहा है, किस टाइम आ रहा है, किसके साथ घूम रहा है, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। और इसके लिए जैसे नाबालिगों का बहुत एक बड़ा सेगमेंट है जो ड्राइविंग कर रहा है, और अनगियर्ड गाड़ी आने की वजह से इनकी तादाद और बढ़ गई है। माँ बाप सोचते हैं कि अनगियर्ड गाड़ी है, लेकिन वो भी 150 cc की होती है और बहुत स्पीड में चलती है। आप गियर वाली गाड़ी इतनी तेज़ नहीं चला सकते, बट गियर अनगियर्ड गाड़ी ज़्यादा तेज़ चलती है आजकल के ज़माने में, और उस पर लियंसी लेती है, माइंड सेट है लोगों का कि अनगियर्ड है तो हेलमेट नहीं पहनना रहता है हमको, और ये वो, और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट और लापरवाही उसी पर होती है। तो शुभम सोती फाउंडेशन इस चीज़ को देखती है, और हम लोग ने कैंपेन डिज़ाइन भी किया हुआ है जो कि इसी मंथ हम लोग शुरू करेंगे स्कूल्स के साथ मिलके, कि नाबालिग बच्चे गाड़ी से स्कूल ना जाएं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस तरह के जागरूकता अभियान चलाए जाएं और लोगों को इस बारे में बताया जाए कि क्या हो सकता है उनके साथ। और लखनऊ के गोमती नगर में जनेश्वर मिश्र पार्क के पास ये जो घटना हुई है, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि किस तरह से ज़िंदगी को खतरे में डालते हैं ये युवा जो स्टंट्स करते हैं सड़कों पर, और बार बार ऐसे हादसे होते हैं उसके बावजूद वो जागते नहीं हैं, सबसे अहम बात तो यही है। और तब कानून पर सवाल खड़ा होता है, तब प्रशासन पर, ट्रैफिक पुलिस पर सवाल खड़ा होता है। और इसीलिए श्रीधर पाठक जी, तमाम तरह के रूल्स बने हुए हैं, रूल्स में कोई कमी नहीं है इस देश में। ओवर स्पीडिंग को लेकर रूल है, अगर आप एक खास नियत जो स्पीड है उससे आगे बढ़ करके वाहन चलाते हैं तो सज़ा का प्रावधान है, अगर आप हेलमेट नहीं लगाते हैं तो सज़ा का प्रावधान है, अगर आप ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस करते हैं तो सज़ा का प्रावधान है। लेकिन ये जो स्टंटबाज हैं ये तमाम तरह के जो कायदे हैं उनको तोड़ते हैं। लेकिन आप देखिए कि ये भी जो घटना है, जनेश्वर मिश्रा पार्क जो कि एक
पॉश इलाका है, वहाँ के आसपास का इलाका जहाँ पर गार्ड्स भी तैनात रहते हैं, जहाँ पर पुलिस की भी गश्त होती रहती है, आना जाना रहता है, उसके बावजूद अगर ये दुर्घटना नहीं होती तो क्या हम इस बारे में बात कर रहे होते? क्यों आखिर इतनी उदासीन है पुलिस इन सबको लेकर के, इतनी लापरवाह है ट्रैफिक पुलिस की सड़कों पर? लखनऊ में तो बहुत होता है कि लड़के स्टंट कर रहे हैं लेकिन कोई टोकने वाला नहीं है उनको। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, असल में इसमें असली गलती जो है वो यूपी गवर्नमेंट की है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ जिले को कम से कम 1500 ट्रैफिक कांस्टेबल की आवश्यकता है, मंजूरी 125 की है, तो 125 लोग कहाँ कहाँ जाएंगे, हजरतगंज से लेकर के जनेश्वर मिश्रा तक, बाकी तो बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। पुलिस एक्ट 1861 की धारा 30 SP को ये पावर देता है कि सड़क पर चलने वालों को रेगुलेट कर सके, और उसी के तहत वो इन गाड़ियों को भी रेगुलेट करता है। प्राविधान तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये है कि मैंने कभी सुना नहीं कि उन प्राविधानों के चलते सवारी करने वालों को कोई सजा हुई हो। अब सजा हुई भी कि नहीं हुई, चालान कर दिया वहाँ तक तो ठीक है। अभी आपने 3-4 दिन पहले सुना होगा कि CO गोमती नगर के ऑफिस से कितने 150 या 500 कितने चालानी रिपोर्टें गायब हो गई। अब ये चूहे जो हैं ऑफिसों में भी और कचहरियों में भी अपना काम करने लगे हैं। कई कचहरियों में चूहों को ठीक करने के लिए बिल्ली पाली जाने लगी है। बेसिकली ये क्लियर कट सुपरविजन की कमी है, जनपद स्तर का सुपरविजन इसमें ठीक होना चाहिए, और इसके बारे में केवल कानून पर के ही भरोसे नहीं रहना चाहिए, कानून में कुछ संशोधन किया जाना चाहिए और ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स को मौके पर फाइन करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। ये उम्र 18 से लेकर के 25 साल के लड़कों की है जो इस तरह की स्टंटबाजी में शामिल होते हैं। उनको लगता है कि हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो दूसरे लोग नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें अपनी क्षमता को अन्यत्र प्रदर्शित करने के लिए मौका दिया जाना चाहिए, और इसमें NCC, जूनियर NCC और सीनियर NCC दोनों को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, कम से कम लोगों को जानकारी देने के लिए और समझाने के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, इसमें कई सारे और पहलू हैं जिन पर बात करनी बहुत ज़रूरी है, और सबसे अहम है कि कौन सी मानसिकता, कौन सा माइंडसेट काम करता है। एक तो बहुत अहम बात आपने ये कही कि उन्हें किसी और काम में लगाइए, उनके पास अगर रोज़गार नहीं है तो वो इसी तरह के काम करेंगे, वो सोचेंगे कि हम कुछ ऐसे स्टंट्स परफॉर्म करें कि लोग हमें देखें। लेकिन एक और मानसिकता होती है जो कि इसके पीछे काम करती है, और उसे समझने के लिए एक खबर मैं आपको बताऊं। दरअसल स्टंट्स और चैलेंजेस के चक्कर में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोग खुद को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। आपको किकी चैलेंज याद होगा, अब बर्ड बॉक्स चैलेंज के नाम से लोग अपने आप को घायल करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे क्या है आप ये भी जान लीजिए। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर बर्ड बॉक्स चैलेंज नाम से मूवी रिलीज है। ये नेटफ्लिक्स ओरिजिनल थ्रिलर मूवी है, फैंस इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। मूवी एक खास थीम पर आधारित है और इस फिल्म का कंटेंट इस तरह का है कि इसमें कई खतरनाक स्टंट्स और सीन्स हैं। अब लोग इन सीन्स को देखकर इन्हें दोहरा रहे हैं, बर्ड बॉक्स चैलेंज के नाम से इसे घरों में आजमा रहे हैं और उस चोट खा रहे हैं। वीडियोस बनाने के चक्कर में छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो रही हैं, आपको हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं। कई वीडियोस सोशल मीडिया पर, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहे हैं जिसमें लोग आंखों पर पट्टी बांधकर इधर उधर टहलते हुए दिखते हैं और कई बार दीवारों से यहाँ वहाँ टकरा भी जाते हैं। कई लोगों को गंभीर चोटें भी इसमें आई हैं। तो आप देखिए इस तरह के हालात हैं, लोग स्टंट्स को परफॉर्म करते हैं, बाज नहीं आते हैं, चोट लगती है फिर भी वो काम करते हैं। अब इसके बाद चूंकि ये नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है तो दारोमदार जिम्मेदारी जो है वो नेटफ्लिक्स पर बनती है, और इसीलिए इस कंपनी को ट्वीट करना पड़ा बाकायदा। कंपनी ने क्या ट्वीट किया ये भी हम आपको बताते हैं। ट्विटर पर कंपनी ने लिखा कि यकीन नहीं होता कि मुझे ये कहना पड़ रहा है, लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि बर्ड बॉक्स चैलेंज लेकर खुद को चोट ना पहुंचाएं। हमें नहीं पता ये सब कैसे शुरू हुआ और मुझे खुशी है कि आप सब हमारी सीरीज़ को पसंद कर रहे हैं, लेकिन 2019 में हमारी यही ख्वाहिश है कि मीम्स के चक्कर में आपको अस्पताल ना पहुंचना पड़े। तो ये नेटफ्लिक्स US की ओर से ट्वीट किया गया है। अब आप समझिए कि ये कितना गंभीर हो गया मामला कि लोगों को चेताना पड़ा इस कंपनी को कि आप ये परफॉर्म ना करें, ये चैलेंज ना लें, इससे आपको चोट लग सकती है, नए साल में अस्पताल आप पहुंच सकते हैं। सुमन सिंह रावत जी, क्या मानसिकता, क्या माइंडसेट काम करता है जब इस तरह के चैलेंजेस लोग लेते हैं, जो स्टंट्स कर रहे हैं उनके पीछे भी और जो चैलेंजेस ले रहे हैं वो क्या सोचते हैं?
एक्चुअली आज का जो यूथ है जी, आज के जो युवा हैं, वो एक जो इस तरीके के चैलेंजेस को मतलब अपना एक मिशन बना लेते हैं कि किसी भी फील्ड का चैलेंज हो, उन लोगों को ये लगता है ओवरनाइट सक्सेस, वो सोचते हैं कि हम लोग कितनी देर में और कितनी जल्दी फेमस हो सकते हैं ऐसे चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए. कई बार मैंने जितना भी हम लोगों ने भी सड़क दुर्घटनाओं पर, हम लोग काफ़ी समय से, वर्षों से मैं काम करती चली आ रही हूँ, ऐसे ऐसे सीन्स होते हैं जब उनको पता, मैं बोलती हूँ कि क्या हो गया था ऐसा, ना तो हेलमेट पहना हुआ था, कहते हैं कि चैलेंज था, रेस थी, हम लोगों को एक टारगेट कंप्लीट करना था और इतने सेकंड में, इतने मिनट में इसको कंप्लीट करना था, इसलिए हम लोग कर रहे थे और इसका एक्सीडेंट हो गया, हेलमेट भी नहीं पहनना था. ये उस यूथ का, उस आयु वर्ग का एक अपने आप के चैलेंजेस होते हैं. और इसमें जो आज नेटवर्क, जो आप सही कह रहे हैं, सोशल मीडिया इसका जिम्मेदार है कि कई तरीके के जो चैलेंजेस यहाँ से नहीं, उधर फॉरेन की तरफ से, उधर विदेशों से भी जो चले आ रहे हैं, वो इतने टफ होते हैं. लेकिन मैं थोड़ा ये भी कहूँगी, फिर भी हमारा हिंदुस्तान, हमारा इंडिया अभी काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा पीछे है. वहाँ पर मान लीजिए उन्होंने जो चैलेंजेस रखे हुए हैं उसमें उन्होंने हेलमेट्स भी पहने हुए हैं, सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग खुद ही कानूनन तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं. रूल्स बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको वाकई फॉलो नहीं किया जाता है. तो ये जो बच्चे इस तरीके के, आज के युवा क्या, युवतियाँ भी इसमें, कई मैंने देखा वो भी शामिल है. एक उन लोगों का है कि हम लोग टू व्हीलर चला रहे हैं या सीख रहे हैं तो हम लोग भी स्टंट कर पाते हैं. कई बार मैंने देखा कि लड़कियां भी बहुत बुरी तरीके से घायल हुई हैं खुद. हम लोगों ने तीन तीन चार चार लड़कियों को इसको हॉस्पिटलाइज किया है हमारी टीम ने. और ये चैलेंजेस को इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ज़्यादातर जो स्कूल कॉलेज ड्रेस में होते हैं, बंक करके, क्लासेस बंक करके आए हुए रहते हैं, पता नहीं कौन सा जुनून सवार है उनके अंदर. सबसे पहली बात तो सोशल मीडिया पे बच्चों का जो इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया है, न तो उसके लिए पेरेंट्स उनको रोकते हैं, वो क्या वीडियो खोल के देख रहे हैं, क्या चैलेंजेस को वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं. जैसे आपने अभी दो तीन चैलेंजेस के एग्जांपल भी दिए हुए हैं, तो ये घर घर तक पहुंचा, इतना ज्यादा ये वायरल. देखिए हम बात करते हैं खास एज ग्रुप की, हम कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो नासमझ हैं या फिर जो यूथ है वो इस तरह के चैलेंजेस उठाता है और उसे परफॉर्म करता है, चोट खाता है. लेकिन इसे हम इस तरह भी देख सकते हैं कि स्टंट्स का भी नशा होता है. किसी भी चीज़ का नशा आपको जैसा मालूम है ठीक नहीं है, खतरनाक है, लेकिन नशे करने वाले को इसका एहसास नहीं होता है. वो शराब पीता है, सिगरेट पीता है और उसे मालूम है कि ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो करता है. और इसीलिए अगर स्टंट्स का नशा है, अगर चैलेंजेस का नशा है, तो वो शख्स ये करेगा और उसमें सिर्फ और सिर्फ जागरूकता ही काम कर सकती है. लेकिन जागरूकता कैसे फैलाया जाए, अनुवारु जी, जागरूकता फैलाने में समाज की कितनी भूमिका और प्रशासन अपने स्तर पर क्या कर सकता है? हम लोग तो प्रशासन के साथ लगातार काम करते हैं और प्रशासन इसमें अलग अलग कैंपेन्स करता रहता है, बोर्ड्स लगे रहते हैं, रोड साइंस हैं सब जगह, और उसके बाद भी अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो प्रशासन की इसमें गलती कम है, उस व्यक्ति की ज़्यादा गलती है. हमने इतनी कैंपेन्स करी भी, हमने 29th रोड सेफ्टी वीक में एक ज़ेब्रा फ्लैग कैंपेन लॉन्च करी है जिसमें कि रेड लाइट जंपिंग और ज़ेब्रा क्रॉसिंग वायलेशन का हम लोग अवेयरनेस करते हैं. तो जब तक हम लोग ये कैंपेन चलती है तब तक लोग ठीक है, ज़ेब्रा स्टॉप लाइन से पहले रुकते हैं, रेड लाइट जंपिंग बंद रहती है, लेकिन ज़रा सा भी हम लोग हटते हैं 2 घंटे या 4 घंटे की एक्टिविटी के बाद तो वहाँ पर फिर लोग वैसे ही शुरू हो जाते हैं. तो जागरूकता तो हमने फैलाई, लोगों ने सुना भी उसको, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं कर रहा है. तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग की प्रैक्टिस में नहीं है. हम लोग की आदतें इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि हम लोग सुनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं कि हाँ ठीक है होगा. तो इसको थोड़ा सा सख्ती से जो है फॉलो कराना होगा. इसके लिए शासन को ही, गवर्नमेंट को ही कुछ ऐसे बनाने पड़ेंगे स्ट्रैटेजीज कि ये फॉलो हो, लोग मजबूरी में आके करें, मजबूर हो जाएं इन चीज़ों को फॉलो करने के लिए. आपने दोनों ही बात कही, आपने ये भी कहा कि जागरूकता बहुत ज़रूरी है और पर्सनल लेवल पर आपको सोचना होगा कि आखिर अगर इस तरह के स्टंट्स आप करेंगे या फिर ऐसे चैलेंजेस लेंगे तो आपको नुकसान पहुंच सकता है. पारिवारिक तौर पर जो माँ बाप हैं उन्हें भी अपने बच्चों को बताना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो पुलिस और प्रशासन की ही बनती है. और इसीलिए श्रीधर पाठक जी,
आखिर जो बाइकर गैंग्स हैं लखनऊ में बहुत बड़ी तादाद में हैं, जो जगह जगह पर स्टंट्स परफॉर्म करते हैं, और कल ये दुर्घटना हो गई इसलिए हम बात कर रहे हैं, लेकिन रोज डेली बेसिस पर ट्रैफिक पुलिस को कितना मुस्तैद रहने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के जो स्टंटबाज हैं उन पर काबू किया जा सके, क्योंकि ये उनके लिए भी हानिकारक है और जो राहगीर हैं जो वहाँ से गुजर रहे हैं उनको भी दिक्कत होती है। हाँ, ये सभी के लिए हानिकारक है। हाँ। और मूल रूप से ये पूरे समाज के लिए हानिकारक है, क्योंकि जो आदमी इसमें घायल होता है, इस तरह के स्टंट्स में घायल होने के बाद फिर वो भविष्य में ठीक से काम करने लायक रह नहीं जाता है। दवा ववा से ठीक ठाक तो हो जाता है लेकिन उसकी स्थिति अच्छी नहीं रहती है। तो इसमें एक जागृति पैदा करने की आवश्यकता है और इसके लिए समय समय पर यह कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसा नहीं बाइकर्स गैंग के बारे में ट्रैफिक पुलिस को या लोकल पुलिस को जानकारी नहीं रहती, उनको जानकारी रहती है कि किसका लड़का क्या कर रहा है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इसमें प्रिवेंटिव एक्शन करने का कोई कानूनी प्राविधान है ही नहीं, और वो तभी होगा जब उत्तर प्रदेश का अपना स्वयं का पुलिस अधिनियम बने और प्रिवेंटिव प्राविधान उसमें जोड़े जाएं। कम से कम दो धाराएं ऐसी होंगी जिनको इन्हें जोड़ना पड़ेगा और ऐसा इनको करना चाहिए यूपी गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ऐसी घटनाओं के बाद उस जिम्मेदारी की याद दिलाना बहुत ज़रूरी है, जो मुझे लगता है कि इस शो के माध्यम से आज हम कर रहे हैं, और पेरेंट्स पर भी बहुत बड़ा दारोमदार है कि वो अपने बच्चों को संभालें और ये कहें, सिखाएं कि कैसे इस तरह के स्टंट्स बहुत जानलेवा और हानिकारक साबित हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल वॉइस।